नीतिवचन अध्याय 18 नीतिवचन अध्याय 18 जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्ट आता है वहाँ अपमान भी आता है और निंदित काम के साथ नामधराई होती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल व उमड़ने वाली नदी व बुद्धि के सोते है। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। मूर्ख बात बढ़ाने से मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई पेट में पच जाते हैं। फिर जो काम में आलस करता है वह होने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पना है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता है वही धर्मी जान पड़ता है, परंतु पीछे दूसरा पक्ष वाला आकर उसे खोज लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के लिए देने से अधिक कठिन होता है और झगड़े राजभवन के बेड़ों के समान है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याहली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है।